चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैललोग्राम हमें पैललोग्राम का एरिया निकालना है अब सबसे पहले हम अपना पैललोग्राम बना लेते हैं कि पैलोलोग्राम होता कैसा है तो ये देखिए ये हमारा पैललोग्राम है इसका एरिया निकालना है इसका मतलब है हमें ये अंदर के पार्ट का वैल्यू निकालना है दैट मीन्स एरिया निकालना है विद बेस 32 टू सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जिसका बेस हमें दे रखा है 32 टू सेंटीमीटर और हाइट हाइट कौन सी होती है देखिए हाइट होती है इस पॉइंट से नीचे तक की ये क्या होती है हाइट होती है हाइट दे रखी है अब हमें सिक्सटीन पॉइंट फाइव की राइट right? तो हमें एरिया निकालना है पैलोग्राम का तो हमें हाइट दे रखी है दैट इज 16.5 सेंटीमीटर और हमें बेस दे रखा है दैट इज़ 32 सेंटीमीटर तो हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ पैलेलोग्राम ये पैलल लाइंस और जीएम का मतलब है पैलेलोग्राम राइट पैलेलोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट अब बेस हमें दे रखा है 32 और हाइट दे रखी है हमें 16.5 जो जो वैल्यू दी हुई थी वो वो लिख ली और एरिया है और एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो सेंटीमीटर थी यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट अब या तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को या पॉइंट हटा के कैंसिल करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पॉइंट हटाया नीचे जीरो लग गया अब फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन फाइव थ्री ज फिफ्टीन फाइव टू ज टेन टू वन जो टू टू वन जो टू टू सिक्स जॉ टूल्व तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटीन थ्री जिस फोर्टी एट फोर कैरी सिक्सटीन थ्री इज ऑफ फोर्टी एट प्लस फोर इज़ फिफ्टी टू तो हमारा इस पैलोग्राम का एरिया कितना आ गया फाइव ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है द बेस ऑफ अ पैलेलोग्राम मेजर्स वन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर एक पैलेलोग्राम है जिसके बेस कितना है बेस है हमारा वन मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर का राइट right? अब आगे क्या कह रहा है एंड इट्स हाइट सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो हाइट है हमारी सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर की अब आगे क्या कह रहा है फाइंड इट्स एरिया इन मीटर स्क्वायर हमें मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है तो इसका मतलब जो सेंटीमीटर्स में वैल्यूज दे रखी हैं उसको हमें मीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें पता है वन हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर के इक्वल होता है राइट तो वन सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा यहां पे ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो वन अपॉन हंड्रेड मीटर के इक्वल होगा राइट right? तो अब अगर हम हाइट देखें हाइट कितनी आ जाएगी देखिए वन सेंटीमीटर वन अपॉन हंड्रेड मीटर की इक्वल है तो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर कितने की इक्वल हो जाए एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सेवेंटी फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड तो हम क्या लिख सकते हैं इसको सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड और वी कैन से दैट पॉइंट फाइव मीटर के इक्वल हो जाएगा अब इसी तरीके से बेस देखें 1 दे मीटर 60 का तो वन मीटर तो एज इट इज रहा सिक्सटी सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे देखिए यही आया डिवाइड बाय 100 किया है तो वही कर रही हूं इतना मीटर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्सटी मीटर आप देखिए यहाँ पे दो जीरोस थी तो दो डिजिट पहले पॉइंट लग गया तो वन पॉइंट सिक्सटी मीटर आ गया राइट अब बेस और हाइट पता चल गई है तो अब एरिया ऑफ पैलेलोग्राम निकाल देंगे तो एरिया ऑफ पैलेलोग्राम है हमारा देखिए हमें पता है बेस इन हाइट होता है तो बेस है हमारा 1.60 मीटर और हाइट है हमारी 0.75 मीटर तो ये कितना आ जाएगा देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.60 एंड 75 पॉइंट का तो फाइव जीरो और ज़ीरो फाइव सिक्स जो थर्टी फाइव वन फाइव एंड एट सेवन जीरो और ज़ीरो सेवन सिक्स जो फोर्टी टू सेवन वन जो सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो ये आ गया दो ज़ीरो एज इट इज एट प्लस टू इज टेन कैरी वन टू एंड वन और क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर दो डिजिट यहाँ दो डिजिट यहाँ पहले पॉइंट लग रहा है तो टोटल चार डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट टू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज द आंसर लेट डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ पैलेलोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट द बेस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर एंड हाइट इज 6.5 डेसीमीटर एक पैलेलोग्राम है जिसका बेस कितना दे रखा है 14 डेसीमीटर दे रखा है और हाइट 6.5 डेसीमीटर दे रखी है तो पैलेलोग्राम बना लेते हैं तो देखिए ये एक पैलेलोग्राम है जिसका बेस हमें कितना दे रखा है फोर्टीन डेसीमीटर दे रखा है और हमें हाइट कितनी दे रखी है सिक्स पॉइंट फाइव डेसी दे रखी है राइट right? अब आगे क्या कह रहा है फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर हमें इसका एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में तो सबसे पहले हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर या मीटर में चेंज कर लेते हैं राइट right? तो हमें पता है सबसे ऊपर मीटर, मीटर, मीटर होता है फिर डेसीमीटर होता है और फिर सेंटीमीटर होता है और सबके बीच में टेन टेन का डिफरेंस होता है राइट अब हमें डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ऊपर से नीचे आने का मतलब मल्टीप्लाई तो सबके बीच में क्योंकि टेन टेन का डिफरेंस होता है तो हमें पता चल गया एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं टेन सेंटीमीटर्स होते हैं राइट तो अब देखिए अब हमारी हाइट दे रखी है हमें दैट इज 6.5 फाइव और इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो ये कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर आ गया राइट right? देखिए पॉइंट एक डिजिट से पहले पॉइंट था पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लग जाएगी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो सिक्सटी फाइव बज गया ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ गए है, तो हैं तो पॉइंट हटा देंगे एक डिजिट पहले पॉइंट था पॉइंट हटा के टेन हटा दिया तो सिक्सटी फाइव बज गया राइट right? अब बेस देखिए बेस कितना दे रखा है फोर्टीन डेसीमीटर तो हम इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर देंगे तो इन टू टेन कर दिया राइट right? तो यह आ गया हमारा वन फोर्टी सेंटीमीटर का बेस आ गया अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ पैलोग्राम जिसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट अब बेस तो आ गया 140 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 65 सेंटीमीटर तो ये कितना आ गया जीरो एज इट इज 14 फाइव इज सेवेंटी जीरो सेवन कैरी फोर्टीन सिक्स इज एट्टी फोर एट्टी फोर प्लस सेवन इज नाइन्टी वन तो नाइन्टी वन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया इस पैललोग्राम का एरिया आ गया राइट अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कह रहा था फर्स्ट पार्ट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है अब हम मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं इसको सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ पैललोग्राम तो देखिए अब हमें पता है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हमें पता है वन सेंटीमीटर अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था वन अपॉन हंड्रेड मीटर के इक्वल होता है राइट अब यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दो बार इसकी मल्टीप्लाई दो बार कर देंगे इस वैल्यू में तो हमारा नाइन्टी वन हंड्रेड आया था एरिया इसकी मल्टीप्लाई हम टू टाइम्स कर देंगे वन अपॉन हंड्रेड इंटू वन अपॉन हंड्रेड क्यों दो बार कर देंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एक सेंटीमीटर की वैल्यू है तो दो सेंटीमीटर की वैल्यू दो बार लिखना होगा इसलिए अब ये हमारी वैल्यू मीटर स्क्वायर में हो गई क्यों मीटर स्क्वायर एक बार मीटर में चेंज किया दूसरी बार मीटर में चेंज किया और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर लिखा है अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई तो ये कितना आ गया हमारा इंटी वन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वायर आ गया अब क्योंकि नीचे दो जीरो है तो दो डिजिट पहले पॉइंट लग गया तो पॉइंट नाइंटी वन मीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ